दोस्तों, हर हर गंगे, आप सबको एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में। आप जैसे कि पीछे का दृश्य देख पा रहे होंगे, कोहरे से ढका हुआ है हल्की पैड़ी और आज काफ़ी ज़्यादा कोहरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और साथ साथ ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा। अभी आप माँ गंगा की पावन दर्शन नए घाट हरिद्वार से कर रहे हैं। निर्मल धारा की वेग आप अभी देख रहे हैं, काफ़ी तेज है यहाँ पे और भीड़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे भीड़ आज की पिछले दिनों के सापेक्ष काफ़ी कम है, क्योंकि अभी जो सोमवती मौनी अमावस्या थी उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ खास तौर पे नए घाट में देखने को मिल रही थी। अभी हम आपको चारों ओर का दृश्य दिखाएंगे, जिससे आपको यहाँ की मौसम की जानकारी आसानी से हो जाएगा। कोहरा का दृश्य आपने शायद देखा ही होगा, चारों ओर कोहरा ही कोहरा अभी दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि हल्की पैड़ी कोहरे से अभी ढका हुआ है। सूर्य उदय हो चुका है, अभी टाइम अगर बताऊं तो 9:45 अभी की टाइम है। यहां से मां मनसा देवी के पावन टेम्पल दिखाई देती थी, लेकिन आज यहां से नहीं दिखाई दे रही है। अभी हम हैं मोती बाजार में, ये वाली रास्ता डायरेक्ट हर की पैड़ी की ओर जा रही है और देख सकते हैं आप काफ़ी सारे लोग हर की पैड़ी की ओर जा रहे हैं। यहीं से हम कऊ घाट और सुभाष घाट और ख़ास तौर पे कुसा घाट के लिए भी मार्ग हमें यहां से मिल जाता है। ऐसे हम कुसा घाट के मार्ग को क्रॉस कर चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं सुभाष घाट की ओर। यह आपने देखा हर की पैड़ी सुभाष घाट के पास फेमस कचौड़ी के शॉप, यहाँ पे काफ़ी अच्छे कचौड़ी मिलते हैं। जैसे कि हमने कल भी बताया था, हम आ चुके हैं आप कऊ घाट पे। कऊ घाट पे आप देख सकते हैं, घाट पे एंट्री करते ही घना कोहरा का मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं अभी कऊ घाट से दृश्य। कऊ घाट का ये ब्रिज है जो ऋषिकेश बाईपास की ओर जा रही है और यहाँ पे आप माँ गंगा की पावन दर्शन और निर्मलता देख सकते हैं। पारदर्शिता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है माँ गंगा की, और कोहरे का तो आप दृश्य देख ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा छाया हुआ है और अभी बारिश की संभावना भी है। बताया जा रहा है कि कल परसों बारिश यहाँ पे होने वाली है, तो आप अगर हरिद्वार या उत्तराखंड की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन बातों के ध्यान रखें। और रही बात कोविड टेस्ट की, अगर आपने कोविड का दोनों डोज ले रखा है तो भी आपको कोविड टेस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। बूस्टर तो अभी काफ़ी कम लोगों ने ले रखा है, तो बूस्टर की चेकिंग नहीं होती है। बूस्टर का आपने अगर SMS आपके पास है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप दिखा सकते हैं और आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई टेस्ट है तो आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे चेक करवा सकते हैं। सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस एक डॉक्यूमेंट और दो डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट पहला डॉक्यूमेंट आपको बताऊँ तो आपको आधार कार्ड या फिर कोई भी एड्रेस प्रूफ, दूसरा डॉक्यूमेंट है कि मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पर आपको जो चेक आप कराएंगे उसकी रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाएगी और आपको वहाँ पे एक पर्ची मिलेगी जिससे आपको बाहर निकलने में सहायता होगा। बाकी मैं आपको हरिद्वार की लाइव वीडियो हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है। अभी हम हैं सुभाष घाट में। सुभाष घाट से महिला घाट की दूरी अगर कहें 200 मीटर है और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सुंदर दृश्य हमें आज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
सुभाष घाट का दृश्य ही आप अभी देख रहे हैं। हम आ चुके हैं ब्रिज में। ये जो जल दिखाई दे रही है सामने हमें, ये जल हर की पैड़ी से होके आ रही है और हर की पैड़ी का दृश्य अभी हम दिखाएंगे और ये जल कहाँ पे मिलती है मेन जल से, वो भी हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। ये आप देख के समझ गए होंगे, जो भागीरथी सेतु से जो जल आ रही है, ये जल हर की पैड़ी से होके आती है और आप देख सकते हैं ये वाली जल है जो आ रही है और वहाँ पे मिल रही है, ये आप देख रहे हैं अभी। हम आ चुके हैं नई घाट पे और नई घाट में माँ गंगा की निर्मल धारा की वेग आप देख सकते हैं काफ़ी तेज है। यहाँ पे स्नान करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। हम आ चुके हैं नई घाट पे और नई घाट पे आप अभी देख रहे हैं दृश्य माँ गंगा की और यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे नई घाट में कुसा घाट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। दोनों घाट में आपको पता ही है मुंडन की कार्यक्रम और अस्थि प्रवाह के कार्यक्रम की जाती है। हम आ चुके हैं भागीरथी सेतु पे और अभी हम भागीरथी सेतु से आपको माँ गंगा की निर्मल धारा की वेग नई घाट से दिखा रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी आप दृश्य देख रहे हैं नई घाट की फ्रंट का। यहाँ पे चोटी वाले का फेमस रेस्टोरेंट है और ये हमेशा भीड़ होती है। हम आ चुके हैं फ्रंट की ओर देख सकते हैं काफ़ी कम भीड़ आज दिखाई दे रही है, भीड़ नहीं के बराबर है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर गंगे।